देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि ग्राफ का पूछे कि कैसे इनइक्वालिटी उस पर होल्ड करेगी, इसका दो चीज, एक तो आपको ग्राफ आ जाए वो सबसे सटीक और सही है, जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे उसका आपको स्लोप पता हो, जिसकी स्लोप बहुत तेजी से, जिसकी स्लोप ज्यादा रहेगी वो फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। ई टू दी एक्स, ई टू दी एक्स है और ई एक्स है। ठीक है, अब आप देखो ई एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ई एक्स तो एक लीनियर फंक्शन की तरह जाएगा। ठीक है, ये ई एक्स बना, एक्स जीरो तो जीरो से। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस आपका है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखो ई टू दी एक्स है, यहाँ देखो ई टू दी एक्स माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, जीरो पे वन। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके आगे कभी टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या बिना टच किए हुए ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले ई टू दी ई एक्स का स्लोप निकालते हैं, तो जो कि ई आएगा। ठीक है, और ई टू दी एक्स का देखते हैं तो ई टू दी एक्स ही मिलेगा। अब देखो एक्स इजकल टू वन पे, एक्स इजकल टू वन पे इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है दोनों फंक्शन का, तो मतलब एक्स इजकल टू वन पे ये क्या करेगा, टच कर जाएगा। ठीक है, एक्स इजकल टू वन पे टच करेगा। ठीक है, टच करा दिया। ठीक है, टच कर गया एक्स इजकल टू वन पे। ठीक है, अब देखो ई टू दी एक्स इजकल टू टू पे देखो, तो ई टू दी टू ये हो जाएगा और ये ई के ई रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा इसका स्लोप, इसका मतलब यहाँ ऐसे ये बढ़ गया। तो आप देखो अब ये ग्राफ ये मिला, ये ई टू दी एक्स ये ऐसे रहा और ये एक्स ऐसे रहा, एक जगह टच किया। अब देखो ऑप्शन ए, ई एक्स लेस देन इक्वल टू ई टू दी एक्स फॉर ऑल एक्स सही है, ये ई एक्स ग्रेटर देन नहीं गलत है, ई एक्स लेस देन ई टू दी एक्स फॉर एक्स लेस देन वन यहाँ तक तो ठीक है, और क्या कह रहा है ई एक्स ग्रेटर देन, नहीं भाई गलत है, फिर ई एक्स लेस देन ई टू दी एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन, नहीं ये गलत है। तो सीधे सीधे करेक्ट ऑप्शन ए है। हमने देखा ग्राफ बना दिया और हमें ग्राफ बना के बस स्लोप का फंडा हमने क्लियर रखा, हमें तुरंत आंसर दिख गया, तो इसलिए ग्राफ हमेशा आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ई टू दी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। अब देखो इसमें हम इसे सॉल्व डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, तो हमें ग्राफ बनाना ही होगा। ई टू दी एक्स का ग्राफ बना लो, ई टू दी एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यह है ई टू दी एक्स, अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, एक्स स्क्वायर इधर से आता है। ठीक है, इधर से आया और ये ऐसे जीरो हुआ। अब क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये ऐसे कट कर देगा, अब देखते हैं उसके लिए देखना, एक तो कट कर दिया इधर, अब देखते हैं इधर साइड क्या कट करेगा। तो पहले इसका स्लोप लेते हैं, ई टू दी एक्स का ई टू दी एक्स बनेगा स्लोप और एक्स स्क्वायर का स्लोप टू एक्स बनेगा। ठीक है, आप देखो ई का वैल्यू 2.718 होता है। ठीक है, वन रखा तो 2.718, ये टू मतलब इसका क्या बोलते हैं स्लोप तेजी से है ऊपर, लेकिन ई टू दी एक्स का स्लोप बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। टू रखा तो 2.7 का स्क्वायर और ये फोर ही रहेगा, तो आप देख रहे हो ये इसका स्लोप बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और इसका स्लोप कम है। दूसरा चीज, अब एक्स इजकल टू वन पे देखें तो ये बड़ा है ई टू दी एक्स, और एक्स इजकल टू वन पे ये वन ही आ रहा है, तो 2.7 है वैल्यू और ये वन ही है, और इसका स्लोप भी मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट भी इसका कम है, तो ये हमेशा पीछे ही रह जाएगा इसके। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसका सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका रूट कितने मिलेंगे हमें, रियल रूट्स कह रहा है, तो रियल रूट्स हमें एक मिलेगा। ठीक है, ये स्लोप से, अगर यही इसका स्लोप ज्यादा होता बशर्ते इसकी वैल्यूज कम रहती शुरुआत में, तो बाद में जाके टच कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं, इसका स्लोप कम आ रहा है और इसलिए एक ही बार ये इंटरसेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके 1 आएंगे।